कार्टून नेटवर्क वो चैनल जहां हमने अपना बचपन जिया, मम्मी से रिमोट के लिए लड़ाई लड़ी, पढ़ाई भी की ताकि पापा केबल ना कटवा दे, कुछ नए बेंटन देखने के लिए क्लास में टॉप करने के बड़े बड़े वादे भी किए। वो अलग बात है कि काफी लोग अच्छे नंबर तो नहीं ला पाए, लेकिन थोड़ी सी मार खाने के बाद पापा टीवी तो देख रहे देते ही थे। पर आज कार्टून नेटवर्क कहाँ है? अगर आप इंडिया के टॉप चैनल्स की टीआरपी देखें तो कार्टून नेटवर्क कहीं भी नजर नहीं आता। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस चैनल ने हमारे घर की कढ़ाइयों को बेब्लेड का अरीना बना दिया था, वो आज इस हालत में आ गया? क्या है कार्टून नेटवर्क के फेल होने की कहानी, जानेंगे हम सभी आज की इस वीडियो में। तो अंत तक कहीं मत जाइएगा। इससे पहले कि हम जाने कि कार्टून नेटवर्क फेल कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है कि आखिर कार्टून नेटवर्क इतना पॉपुलर क्यों था। कहानी शुरू होती है 1991 में टेड टर्नर के साथ, वही टेड टर्नर जिन्होंने दुनिया का पहला 24-आवर न्यूज चैनल CNN बनाया था। अब एक नए प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड थे, एक ऐसा चैनल बनाने का जो 24 घंटे बच्चों के लिए टीवी पर कार्टून दिखाए। और ऐसा लगता है कि टेड ने तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी। उन्होंने यूनाइटेड आर्टिस्ट एंड टॉम एंड जेरी वाले प्रोडक्शन हाउस MGM से काफी सारी डील साइन की, जिससे उन्हें उनके पुराने कार्टून का एक्सेस मिल गया। अब इन लाइब्रेरीज के मिलने के बाद अगला काम था एक चैनल खड़ा करना। इसके लिए उन्होंने बैटी कोहेन को इसका प्रेसिडेंट बनाया और चैनल का नाम रखा गया कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क को ऑफिशियली 1 अक्टूबर 1992 को लॉन्च किया गया और भारत तक आने में से 3 साल तक का लंबा वक्त लगा, लेकिन फाइनली 1 मई 1995 में कार्टून नेटवर्क इंडिया में भी लॉन्च किया जा चुका था। अमेरिकन टीवी पर कार्टून नेटवर्क को शुरुआत में काफी परेशानी आई, क्योंकि हर घर तक कार्टून नेटवर्क अभी नहीं पहुंचा था। इसलिए टेड ने अपने 2 चैनल्स TNT और TBS को कार्टून नेटवर्क के साथ मर्ज कर दिया, ताकि जिस भी घर में चैनल आते हो कार्टून नेटवर्क भी दिखाया जा सके। जिसके बाद कार्टून नेटवर्क देखते ही देखते अमेरिका के top 3 चैनल्स में से एक बन गया। इस वक्त तक कार्टून नेटवर्क रैप शॉडी रैबिट, लूनी ट्यून्स और हन्ना बारबरा जैसे कार्टून्स टीवी पर दिखा रहा था। ये सभी पुराने कार्टून्स थे जो बच्चों को काफी पसंद आ रहे थे। इसके बाद टॉम एंड जेरी, योगी बेयर, स्कूबी डू जैसे कार्टून्स भी टीवी पर सुपरहिट थे। अब तक कार्टून नेटवर्क भारत में भी आ चुका था और यहाँ भी इन अमेरिकन कार्टून्स की धूम थी। जनवरी 1999 से कार्टून नेटवर्क ने सभी कार्टून्स को हिंदी में डब करके भी पेश करना शुरू कर दिया था, जिससे बहुत बड़े लेवल पर न सिर्फ शहरों में पर गांव और कस्बों में भी कार्टून नेटवर्क छाया रहा। सैटेलाइट टीवी पूरे भारत के लिए अब एक नई चीज थी, जिसने कार्टून नेटवर्क की ग्रोथ में काफी मदद की। पर कार्टून नेटवर्क इतने से खुश नहीं था, अब तक वो पुराने कार्टून ही लोगों को दिखाया जा रहा था। फिर कार्टून नेटवर्क ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और खुद के कार्टून बनाने शुरू किए और नए कार्टून मार्केट में आने लगे। डेक्सटर्स लेबोरेटरी, जॉनी ब्रावो, काउ एंड चिकन, ये सभी शोज कार्टून नेटवर्क की चेंज स्ट्रेटजी का नतीजा थे। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा शो बना एड एड एंड एडी, जिसकी रेटिंग आसमान छू रही थी। 20वीं सदी खत्म हुई और साल 2000 में कार्टून नेटवर्क लाया आज भी पॉपुलर रहने वाले हमारे करेज द कावर्डली डॉग को, जिसकी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसी बच्चों के रिजल्ट आने वाले दिन रहती है। कार्टून नेटवर्क फिर पावर पफ गर्ल्स भी लेकर आया और यहां से फिर कार्टून नेटवर्क ने सुपर हीरोज की तरफ रुख किया। DC के जस्टिस लीग और बैटमैन की पहली एनिमेटेड सीरीज भी कार्टून नेटवर्क ही लेकर आया। इसके बाद मार्वल का स्पाइडरमैन भी इंडियन टीवी पर चलने लगा। सब सही चल रहा था। एक ही साल में कार्टून नेटवर्क ने बैटमैन की 3 नई सीरीज लॉन्च कर दी। सुपरमैन भी उसी साल दिखाया जाने लगा। फिर अगले साल कार्टून नेटवर्क ने अमेरिका से बाहर आकर क्रॉस कल्चरल शो दिखाना शुरू भी कर दिए। ये शोज कौन से थे? ये थे ड्रैगन बॉल जी और बेब्लेड, जो अगले 3 सालों तक दुनिया के नंबर 1 कार्टून लिस्ट में खुद ही एक दूसरे को पीछे छोड़ते रहते थे। कार्टून नेटवर्क रोज और ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। 2004 के दौरान कार्टून नेटवर्क ने अपना लोगो भी चेंज कर दिया। 2005 में कार्टून नेटवर्क इतना पॉपुलर था कि अपने फिल्म मंगल पांडे को प्रमोट करने के लिए आमिर खान भी उस पर दिखाई दिए। ये काफी यूनिक एपिसोड था, क्योंकि इस एपिसोड में कार्टून्स के सलमान खान, जॉनी ब्रावो ने आमिर खान का इंटरव्यू लिया था।
2007 तक कार्टून नेटवर्क के पास इतने ओरिजिनल शोज आ चुके कि उन्होंने अपने क्लासिक कार्टून जैसे पोपोए एंड टॉम एंड जेरी के लिए अलग से बूमरैंग नाम का चैनल खोल दिया और कार्टून नेटवर्क पर सिर्फ ओरिजिनल कार्टून आने लगे। और टाइमिंग भी क्या जबरदस्त थी, क्योंकि इसी साल कार्टून नेटवर्क ने अपने चैनल पर बेन 10 को लॉन्च किया, जिसकी पॉपुलैरिटी कितनी थी इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे सब तो अच्छा चल रहा है, फिर परेशानी कहाँ आई? शुरुआती परेशानी आनी तो तभी शुरू हो गई थी जब बूमरैंग को बनाया गया। अब इसमें भी दो तरह की थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कि बच्चे अब भी पुराने टॉम एंड जेरी और द पिंक पैंथर शोज जैसे कार्टून से देखना चाह रहे थे, जो कार्टून नेटवर्क ने बंद कर दिए थे। दूसरी थ्योरी इसके बिल्कुल विपरीत है, जो कहती है कि क्योंकि ड्रैगन बॉल जी और बाकी कार्टून्स बहुत ज्यादा रिपीट होने लगे थे, इस कारण बच्चे धीरे धीरे से दूर होने लगे। इसके अलावा अब तक मार्केट में कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया था, फिर चाहे वो निकेलोडीन का नींजा हथौड़ी हो या अंगामा का सिंचान, बच्चे नए कार्टून तलाश रहे थे। साथ ही इस वक्त पोगो पर मैड और बाकी चैनल्स पर भी एनिमेशन के अलावा दूसरे तरह के रियल लाइफ शोज चलने शुरू हो गए थे। अपने व्यूअरशिप को ज्यादा देख कार्टून नेटवर्क ने भी डिस्ट्रॉय विल डिस्ट्रॉय जैसे रियल लाइफ शोज दिखाने शुरू किए, क्योंकि बिल्कुल फ्लॉप हो गए। लोग कार्टून नेटवर्क पर सिर्फ कार्टून देखना चाहते थे। कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 के दो सीजन की सफलता को देखते हुए बेन 10 ओमनिवर्स नाम का तीसरा सीजन निकाला, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो यकीन मानिए आपने जिंदगी में कुछ खास मिस नहीं किया है। वो शो इतना खराब था कि उसे देखना भी पाप है। पाप से याद आया कि फिर उसी साल कार्टून नेटवर्क ने रोल नंबर 21 तो लॉन्च भी किया था, जो कृष्ण की कहानी मॉडर्न जमाने में कह रहा था। वो शो भी उनके लिए एक डिजास्टर साबित हुआ, लेकिन कार्टून नेटवर्क उसके एपिसोड पर एपिसोड निकालता रहा। मार्केट में कंपटीशन के बढ़ने के साथ साथ कार्टून नेटवर्क की फॉल की एक वजह यह भी थी कि तब तक इंडियन कार्टून्स भी मार्केट में आ गए थे और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हालांकि रोल नंबर 21 पूरी तरह इंडियन ही था, पर शो सिर्फ इंडियन होना ही काफी नहीं है ना, क्वालिटी भी कोई चीज होती है, और यही क्वालिटी कार्टून नेटवर्क मिस कर रहा था। कार्टून नेटवर्क का थोड़ा बहुत रिवाइवल उनके अमेरिकन शो टीन टाइटंस गो ने किया, लेकिन कार्टून नेटवर्क की सफलता का राज कभी एक शो नहीं रहा है। अतीत में वो सक्सेसफुल इसलिए थे क्योंकि लगातार एक के बाद एक उस चैनल पर अच्छे शोज चलते रहते थे, जो बच्चों को टीवी से चिपका के रखते थे। हालांकि कार्टून नेटवर्क की बहुत गलतियां रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कार्टून नेटवर्क के पतन के पीछे हम पूरी तरह उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जब से भारत के बच्चों के पास स्मार्टफोन्स आए हैं उनका टीवी देखना यूं ही कम हो गया है, और इंटरनेट पर लाखों कार्टून्स हैं जो देखे जा सकते हैं। इसलिए कार्टून नेटवर्क का कंपटीशन कुछ चंद टीवी चैनलों से हटकर हजारों यूट्यूब चैनल से, और अभी तो इंटरनेट टीवी से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। क्या कार्टून नेटवर्क अपनी वापसी आगे कर पाएगा? आपको क्या लगता है, बचपन में वो कौन से शोज थे जो आप कार्टून नेटवर्क पर देखते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।